हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज सबने, मतलब पता है, आम तो सबने ही खाया होगा, मौसम तो आम का चल रहा है, लेकिन किसी ने कच्चे आम खाए हैं? ऑफकोर्स आपको बोलोगे कच्चे आम कैसे खाएंगे भाई, इतने खट्टे होते। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आमों का आम पना। अब इसमें से आम पना किसी ने पिया होगा और किसी ने नहीं पिया होगा। जिसने पिया है वेल एंड गुड, जिसने नहीं पिया है उसके लिए बहुत ही एकदम इजी रेसिपी है। ठंडा ठंडा आप आम पना बना के पी सकते हो, गर्मियों में फ्रेश है, आपके बॉडी के लिए अच्छा है और इट्स अमेजिंग। तो मैं इसको उबालूंगी सबसे पहले, पानी में तो नहीं उबालूंगी क्योंकि पानी में सबसे ताकि जो पोस्ट चीज़ें बोल सकते हैं वो निकल जाते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा तेल डाल के इसको एक सीटी में उबाल लेंगे, एक दो सीटी में अपने आप उबल जाएगा। कुछ इस तरीके का ये बन गया है, ठीक है। इसका हम निकाल लेंगे छिलका, इस तरीके से छिलका, आप थोड़ा सा छिलका डाल सकते हो, छिलका ऑप्शनल है। छिलका निकाल के इसका जो भी गुद्दा होता है ना, जो भी लगा हुआ होता है, वो सब अच्छे तरीके से बीए में से, छिलके में से सब कुछ निकाल लेंगे। लेंगे थोड़ा सा पुदीना और इसको मिक्सी में डालकर अच्छी तरीके से पीस देंगे। तो इस तरीके का ये बनेगा रेडी। जी हाँ, ये रेडी हो चुका है। इसके बाद आपका, मतलब ये तो मैं अपनी तरफ से कर रही थी, आप ऑप्शनल है, आप चाहो तो पूरे में थोड़ा सा डाल दो, पूरे में नमक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, जीरा पाउडर डाल दो, इट्स अमेजिंग। मतलब वो लगा के डाल के रख दो उसके हिसाब से, या फिर ऐसा कर सकते हो जब भी आपको पीना है आम पना तो आप एक ग्लास ले सकते हो, कुछ इस तरीके से। मैं मतलब कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही थी, बहुत सब डेकोरेट करके बताते हैं ना कि यार ये जो, और ये जो साइड साइड में लगा हुआ था, मैंने एक बार सोचा कि मैं ट्राई करके देखूँ, तो मैंने आज कर ही लिया। तो इस तरीके से मैंने इसमें 2-3 चम्मच आम पना डाल दिया। तो मैं पहले बता दे रही हूँ, मुझे कम पड़ गया था आम पना, आप उसके बाद और भी ले सकते हो, कम से कम 6-7 चम्मच डाल सकते हो। उसके बाद आप ठंडा ठंडा पानी डालो उसमें और बर्फ़ डालो और आम पना इन्जॉय करो। सो नमक आप पूरा मिक्स कर सकते हो, मैं नमक पूरे में नहीं डाल रही क्योंकि मैंने नमक ग्लास के ऊपर वाले पार्ट में साइड साइड में लगाया है, तो मैं उसी के साथ पीते जाऊँगी। आप पूरे में डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पी सकते हो। तो ये दिख रहा है ना एकदम टेस्टी सा, टेस्टी दिखने के साथ साथ ये टेस्टी है भी, और खट्टा मीठा आम पना आपको बहुत ही पसंद आएगा। मीठा भी सब लोग डालते हैं बट मोस्टली मैंने खट्टा नमक वाला ही पिया है, और यहाँ पे आके मुझे आम पना का एक रेसिपी पता चला है, तो मुझे लगा क्या फिर ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑफकोर्स ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है बट देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, कभी तो कभी काम आएगा ही। तो आप ऐसा ड्रिंक्स सर्व भी कर सकते हो, मतलब अलग है, बहुत डिफरेंट है, और सबको सर्व भी करो और आप भी इंजॉय करो। सो मुझे लगता है ये चाय वाय से बेटर है गर्मियों में ड्रिंक ऐसे सर्व करना और कुछ यूनिक तरीके से। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर ज़रूर से ज़रूर बताएं, लाइक करें, और मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।